Guys, our today's topic is about gerunds. Gerund is a verb ending with ing. एक वर्ब होती है जो आईएनजी जिसके अंत में लगा होता है, जैसे आप कंटिन्यूस टेंसेस में यूज करते आए हैं आज तक, तो वे वर्ब का काम कर रही है कंटिन्यूस टेंसेस में मेन वर्ब का, इसलिए उसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और जेड जो है ये नॉन फाइनाइट का एक पार्ट है, तो इसमें जेड इज ए वर्ब एंडिंग विद आईएनजी बट फंक्शंस एज ए नाउन। लेकिन फंक्शन क्या होता है जेन का, जो आईएनजी वर्ब के आईएनजी फॉर्म ही होती है, लेकिन फंक्शन क्या होता है सेंटेंस के अंदर, नाउन का फंक्शन करता है। जहां जहां पर भी नाउन का यूज किया जाता है वहां हर जगह आपका आईएनजी फॉर्म मीन जेन का यूज किया जा सकता है। जैसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ये इसका यूज किया जा सकता है। पॉइंट नंबर टू, और कहा यूज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन होती है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की ये इसको वर्ब कह सकते हैं, वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। और कंप्लीट फ्रेज एज ए कंप्लीट फ्रेज, एक कंप्लीट फ्रेज के रूप में काम करता है। इसके फंक्शन क्या क्या है, जेड्स का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है, किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है, एज ए कंप्लीमेंट फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट फ्रेज क्या होती है। लेकिन आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कंप्लीट फ्रेज, मीन्स आपका नॉमिनेटिव केस में आपका सब्जेक्ट की जगह काम करते हुए आपको मिलेगी कंप्लीट फ्रेज, और कंप्लीट फ्रेज जो होती है इसमें आपको कोमा जरूर मिलेगा, ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस पे ध्यान दें। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है जेरेंट, इज ए गुड एक्सरसाइज, क्या है गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग, यहाँ पे आपको जो नाउन है नॉमिनेटिव केस में ये काम कर रहा है सब्जेक्ट की जगह, जो नाउन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आना था उसकी जगह स्विमिंग कर रहा है, स्विमिंग यहाँ पे कोई स्विमिंग नहीं हो रही है। अभी सेंटेंस में जानिए, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है, तो ये स्विमिंग जो है कंटिन्यूस टेंस का काम कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ही इज स्विमिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है स्विमिंग, लेकिन यहाँ पे भी वही वर्ड है स्विमिंग, लेकिन यहाँ पे ये जो है जेरंड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी रियली एंजॉयड बेकिंग द केक्स, यहाँ पे आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब आपकी एंजॉयड है, We really enjoyed, हमने बहुत ही वास्तव में बहुत enjoy किया इस चीज का, baking the cakes, यहाँ पे baking आपकी main verb नहीं है, यह आपकी gerund कहलाएगी, ing form है और आपकी gerund कहलाएगी, यहाँ पे आपका ये object of the verb है। ये देखिए, he gave no reason for completing, for क्या है आपकी preposition, अब ये यहाँ पे किस चीज का जो completing आपकी gerund है, और ये कौन सी gerund है, preposition वाली gerund एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। इसमें देखिए, सी एंजॉयज प्लांटिंग,
ये क्या है, कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेंटेंस। अब मैं कहूँ सी इंजॉयज, वह इंजॉय करती है, क्या इंजॉय करती है, ये सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है। सेंस कंप्लीट नहीं हो रही है तो हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपके जीरंड का यूज किया गया प्लांटिंग, तो ये प्लांटिंग जो वर्ब है यहाँ पे आपको टेंस टेंस नहीं बता रही है, ये आपकी जीरंड है, जीरंड ऑफ योर वर्ब हियर, कंप्लीमेंट ऑफ दिस सेंटेंस। स्विमिंग इन द ओशन, देख मैं पहले ही बता था इसको आप जो कंप्लीट भी कह सकते हैं और एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट जीरंड भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट फ्रेज है ये। अब यहाँ पे स्विमिंग इन द ओशन, और ये मोस्टली जो है एब्सोल्यूट फ्रेज में ये नाउन का काम करते हुए आपको मिलेगी, स्विमिंग इन द ओशन ये एक फ्रेज है, मतलब ओशन में तैरना। हैज बीन रवीज पैसन, रवि का एक पैसन रहा है लंबे समय से, सिंस ही वॉज 5 years old, जब से वह 5 साल का था, जब वो 5 साल का था जब से अब तक उसका जो ये पैसन रहा है, बड़ा चाव रहा है रवि को, क्या, स्विमिंग इन द ओशन, ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज को कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज। और एब्सोल्यूट फ्रेज की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी पड़ेंगी, इसमें कंप्लीट नहीं होगी इस वीडियो में, काफ़ी लंबी ऐसी वीडियो बन जाती हैं। अभी हम जो आपको समझा रहे हैं उस बात पे आप ध्यान दें। अभी मैं कुछ आपको कुछ एक्सरसाइजेस लिखूंगा, उसमें फाइंड आउट करना आपको बताऊंगा किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ही स्क्रीन पर अंडरलाइन द जीरंड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं इनमें आपने अंडरलाइन करना है जो वर्ड जीरंड हैं। वी डू नॉट नो स्केटिंग, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब आप आगे देखिए सेंटेंस नंबर 2 में, पेंटिंग इज ए गुड हॉबी, पेंटिंग जो है एक अच्छी हॉबी है, तो पेंटिंग यहाँ नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्ट के जगह यूज हुआ है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। पॉइंट नंबर 3, वी कैनॉट लिव विदाउट ईटिंग, तो ईटिंग जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है यहाँ पे, और ये ईटिंग है आपकी जीरंड है। 4th है, ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो मेकिंग इसमें जीरंड आया है, और एट का ये प्रीपोजिशन वाला है, मतलब ये यहाँ पर जीरंड और प्रीपोजिशन। पॉइंट नंबर 5, माई ग्रैंड पेरेंट्स इंजॉय प्लेइंग चेस, अब माई ग्रैंड पेरेंट्स इंजॉय, ये इसको यहीं पे छोड़ दें तो वर्ब की पूर्ति नहीं हो रही है, वैसे इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, नाउन की जगह यूज हुआ है, इसको कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं चेस ना लिखें तो, और प्लेइंग जो यहाँ पे आया है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, तो प्लेइंग आपका जीरंड है यहाँ पे। अगले में है हेल्पिंग, उससे आगे रीडिंग, 8th में आपका विनिंग है, 9th में ब्रशिंग योर टीथ, तो ब्रशिंग आपका ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ, ये जीरंड है। पॉइंट नंबर 10 में आपका टॉकिंग है, लास्ट वर्ड जो है आपका। ये एक्सरसाइज में देखिए आगे, इनको अपने जीरंड फॉर्म में यूज करना है, वर्ब आपकी ब्रैकेट में दी हुई है, तो सभी में ing लगेगा, तो ट्रैवलिंग इज व्हाट आई लिव फॉर, ट्रैवल का ट्रैवलिंग हो जाएगा, ईट का ईटिंग, इसी प्रकार लिसन का लिसनिंग, टिल का टिलिंग, टिल होता खेत में जुताई करना होता है, तो उसको बोलते खेत में जो किसान जो है बोआ जोत करते हैं उसको टिलिंग बोलते हैं। मीट का मीटिंग हो जाएगा, मिस का मिसिंग, टॉक का टॉकिंग, और वॉक का वॉकिंग। देखिए आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो वर्ब दे रखी है इनकी भी आईएनजी फॉर्म भरनी है मोर प्रैक्टिस के लिए। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, तो क्लोज का क्लोजिंग हो जाएगा, ही एडमिटेड, स्टील का स्टीलिंग हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एडमिटेड, तो एडमिटेड आपके वर्ब है, और यहाँ पे स्टीलिंग जो है मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, इसीलिए ये जीरंड कहलाएगी। तो मेन वर्ब का काम करती तो वर्ब की 4th फॉर्म कहलाते, कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म में जीरंड का काम कर रही है, एडमिटेड मेन वर्ब है इसमें, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। डोंट पोस्टपोन, गो का गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू द डॉक्टर एनी मोर, आई सजेस्ट वॉचिंग ए फिल्म टू नाइट, ही फिनिश्ड स्पीकिंग एंड सेट डाउन, ऑल्दो द फार्मर वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड
प्लोइंग इज फील्ड आई डोंट माइंड शेयरिंग माई बुक्स विद माई फ्रेंड्स दे कैप्ट वेटिंग फॉर द बस इन द ब्लिस्टरिंग हीट। तो ये थे आपके कुछ एक्सरसाइजेज जिससे आपकी मोर प्रैक्टिस हो गई।